लगता है नहीं साल 2020 इंडिया के लिए कोई खुशखबरी लेके आने वाला है। आप देख लीजिए, साल के बिगिनिंग में सिटीजन अमेंडमेंट बिल का डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बाद कोविड-19, जिसकी वजह से लोग अभी तक लॉकडाउन के फेज 5 को मान रहे हैं। उसके बीच में ही एम्फन साइक्लोन, जिसकी वजह से कई ऐसी जगहों पे इंडिया में बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो गई। कई लोग, मजदूर, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लोग खाने के लाले पड़ गए, और अब ऐसी एक सिचुएशन पूरे कंट्री के ऊपर दोबारा मंडरा रही है, जहां पर लद्दाख के बॉर्डर पर चाइनीज आर्मी इंडियन आर्मी के साथ मुठभेड़ करने के लिए हर वक्त अपनी संख्या बढ़ा रही है। ये सब शुरुआत हुआ था मई के सेकेंड वीक में, जब चाइनीज आर्मी अपने पोस्टिंग को लद्दाख के LSC एरिया के बहुत करीब तक शिफ्ट करने लग गई थी। उन्होंने अपने नए कैंप को LAC के एरिया, जो कि डिस्प्यूटेड है बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्रीज, वहां अचानक ही अपनी नई ट्रूप्स को लाना शुरू कर दिया। साथ ही ऐसे रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जिनसे वो हैवी आर्टिलरी वेपन्स और व्हीकल्स लेकर आना जाना उनके लिए इजी हो जाए। इस दबाव के चलते इंडियन आर्मी ने अपनी कुछ ट्रूप्स LAC के डिस्प्यूटेड एरिया और पोस्ट में चाइना के आर्मी को कम्पीट करने के लिए, स्टैंड ऑफ के लिए वहां भेजा। दोनों कंट्री के डिफेंस आर्मी एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। अब ये बात पिछले डिस्प्यूटेड स्टैंड ऑफ वॉर में क्लियर कर दी गई थी कि LAC के अंदर पड़ने वाली जितनी एरियाज है वहां ऐसी कभी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। फिर अब ये क्यों हो रहा है इंडिया में और चाइनीज आर्मी को ये करने की क्या मजबूरी होगी? आपको शायद ये पता होगा कि चाइना सिर्फ ये इंडिया के साथ नहीं कर रहा, ये फिलहाल ही ताइवान, हांगकांग और उसके नेबरिंग कंट्री पर इसी तरह दबाव दे। ये ऐसा क्यों हो रहा है आपको ये बात समझनी होगी। चाइना ये हरकत तब तब करता है जब उनकी गवर्नमेंट उनकी पब्लिक के लिए कोई सही डिसीजन नहीं ले पाए। ऐसे समय को चाइनीज गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स और पब्लिक का ध्यान मेन मुद्दे से हटाकर पेट्रियोटिज्म जगाने में लगा देती है। ऐसा इस बार नहीं, ऐसा पहले भी हुआ था। अब जबकि चाइना पर बहुत सारे कंट्री शक करते हैं कि कोविड-19 उनके वहां से ओरिजिन हुआ और उन्होंने ये वायरस अपने कंट्री से बाहर स्प्रेड किया, अब चाइनीज सिटीजन चाइनीज गवर्नमेंट पे बहुत ही गुस्सा है। उस गुस्से से बचने के लिए चाइना ये अपने नेबरिंग कंट्रीज के बॉर्डर पे फोकस करने लगा है, ताकि उस सिटीजन का ध्यान मेन इशू से हटा सके। अब हम हमारे कंट्री में जब कोई ऐसा करे तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि हर बॉर्डर में होने वाले इंसिडेंट का जवाब आर्मी ही देगी। हाँ, ये सही है, आर्मी इसीलिए होती है ताकि वो कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके, पर क्या आप और मैं इस कंट्री के नागरिक नहीं हैं? हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? इस सिचुएशन से कंट्री को उभरने में हम कोई मदद नहीं कर सकते? हम बेशक कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने एक विचार में ये कहा है कि चाइना को हराने के लिए हमें बुलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम उसे सीधे रास्ते ला सकते हैं अपने वॉलेट से। इसका मतलब यह है कि हमें आम नागरिक चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अगर कंज्यूम करना बंद कर दें तो चाइना को जो हमारे कंट्री से रेवेन्यू जाती है, अगर वो मेड इन चाइना वाली चीज़ों को खरीदना बंद कर दें तो उस एक इंसान के कंट्रीब्यूशन से चाइना एक कदम पीछे रह जाएगा। अगर आप और हम पूरी कंट्री के लोग चाइनीज प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर दें तो चाइनीज इकोनॉमी पे ऐसा असर पड़ेगा कि चाइना गवर्नमेंट लाचार हो जाएगा और वो ये गलती दोबारा कभी नहीं करे। अपनी कंट्री के इश्यूज को छुपाने के लिए दूसरे किसी कंट्री पर टेंशन क्रिएट नहीं करेगा। मैं आप सबसे ये अर्ज करता हूँ, हाँ ये मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसे ऐप्स हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके हम बहुत कस्टम हो चुके हैं, हमें उनकी आदत सी लग गई है, उन्हें हम एक ही दिन में रिप्लेस नहीं कर सकते। आपने अभी सुना ही होगा रिमूव चाइनीज ऐप, एक ऐसा लिंक मुझे भी व्हाट्सएप में मेरे दोस्तों ने दिया था, जिसको इस्तेमाल करने से आपके फ़ोन में अगर कोई चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड एप्लीकेशन है वो आपको इन्फॉर्म करेगा और आप
अगर चाहते हैं कि आप अपनी कंट्री को चाइनीज गवर्नमेंट और उसके नाकाम इरादों से बचाना चाहते हैं, तो आप अपनी कंट्री को सपोर्ट कीजिए और इस एप्स के अल्टरनेटिव ढूंढिए और चाइनीज एप्स को अनइंस्टॉल कीजिए। गेम्स हो, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर्स हो, ऐसे अल्टरनेटिव्स ढूंढिए जिनसे आपका गुजारा हो सके। चाइनीज प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा है हमारी कंट्री में कि टूथब्रश से लेके बेडशीट, नहाने के साबुन से लेके नहाने का शावर सिस्टम, हर चीज चाइना से आती है। ऐसा नहीं है कि अलीबाबा और क्लब फैक्ट्री में ही चीजें मिलती है जो कि सस्ती है। आप अगर कोई चीजें इनसे खरीदते हैं तो आपको इम्पोर्ट और आप तक वो चीजें डिलीवर होने में टाइम लगता है। आप इंडिया मार्ट ये एप्लीकेशन एक बार चेकआउट कीजिए, आपको इनमें चीजें मिलेगी जो इंडियन प्रोड्यूस्ड है। ये एक ऑल्टरनेटिव होगा अगर आप गुड्स खरीदते हैं रेगुलरली चाइना से, तो आप बेशक इंडियन प्रोड्यूस को सपोर्ट कीजिए, मेड इन इंडिया को सपोर्ट कीजिए, बाइकॉट कीजिए चाइनीज प्रोडक्ट्स को। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि न्यूज चैनल्स पे देखी गई हर बात को आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। इनमें मेरी माने तो बस आग ही फैलाते हैं, लोगों के बीच खौफ डर बनाकर रखते हैं। अगर आपको कोई चीज एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड जाननी है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में दी गई आर्टिकल्स पढ़िए। मैं आपके साथ उस लिंक को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये स्टैंड ऑफ चाइना और इंडिया के बीच में वॉर के लिए नहीं है, ये चाइना बस अपनी खामियों को छुपाने के लिए अटेंशन बॉर्डर पर लेकर आया है। पर इससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी डिफेंस सिस्टम इतनी कैपेबल है कि हमारे कंट्री को चाइना या फिर किसी भी बड़े कंट्री से बचाने में सक्षम रहेगी। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा अपने ट्विटर अकाउंट से कि वो मीडिएटर बनने के लिए तैयार है इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, पर कुछ दिनों बाद मैंने ये पढ़ा कि यूएसए के कुछ स्टेट्स पे एक आंदोलन चल रहा है जहाँ पे एक कलर्ड इंसान को पुलिस के लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। इस इंसिडेंट के बाद यूएसए के कुछ हिस्सों में एक आंदोलन छिड़ गया जिसका नाम आई कान ब्रीद। अब इस आंदोलन के चलते हुए बहुत सारे पुलिस स्टेशन को अलग अलग हिस्सों में जला दिया गया। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज डिक्लेयर किए हैं ताकि लोग वायलेंस पर ना उतरे। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर यूएसए में ही ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर लोग अपने गवर्नमेंट से कुछ मांग कर रहे हैं जहाँ उनकी नहीं सुनी जा रही है, वो इंडिया और चाइना के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करने में मदद क्यों करना चाहती है। ऐसा बस डोनाल्ड ट्रंप ने ही नहीं, उनसे पहले बिल क्लिंटन, ओबामा ने भी रेकमेंड किया था, पर हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात का कम्प्लीटली डिनाई किया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में चाइना और इंडिया के बॉर्डर के डिस्प्यूट को लेकर कोई बात हुई थी। इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि नेबरिंग कंट्री के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करते हैं। इन स्टेट्स में आता है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इन सारे स्टेट्स के बॉर्डर के कुछ हिस्से आज तक डिस्प्यूटेड है और इन डिस्प्यूटेड एरियाज की जानकारी लोकल प्रेस और पब्लिक तक पहले नहीं पहुंचती। तो अगर इन जगहों से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन टीवी में दिखाई जाती है या फिर किसी इन्फ्लुएंसर ने अपने थ्रू बताया, तो आप उस पे आंख मूंद कर विश्वास ना करें। आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि जब उस एरिया को लोकल पब्लिक को एक्सेस ग्रांट नहीं है तो वहाँ की इंफॉर्मेशन आप तक सही सही कौन पहुँचा सकते हैं। आप कुछ ऐसे रिसोर्सेस पर रिलाई कर सकते हैं जैसे इंडियन गवर्नमेंट के एक्सटर्नल अफेयर वेबसाइट, और अगर बात चाइना के बॉर्डर से रिलेटेड है तो चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी की डिक्लेयर न्यूज PRC मीडिया के थ्रू, और जो पिक्चर्स आपको न्यूज चैनल्स में दिखाए जाते हैं जिनमें रेजोल्यूशन बहुत ही कम है, उसको देख के आप ये डिसाइड मत कीजिए कि किस एरिया में किसने कितने अंदर तक कंस्ट्रक्शन कर ली है। हाँ, ये बात सच है कि चाइना ने जब लास्ट वॉर हुआ था उनके साथ, उस वक्त जो पैरामीटर डिसाइड किए गए थे उससे बहुत अंदर तक वो आ चुके हैं। पर अभी जो रिसेंटली इमेजेस देखने को मिल रहे हैं टीवी न्यूज़, उनमें ऐसी कोई क्लियर इमेज नहीं है कि आप समझ सकते हैं कि कितने डिस्टेंस तक चाइना ने अपने नए कैंप का सेटअप किया। इंडिया अगर चाहे तो वॉर कर सकती है चाइना के साथ, पर वो ऐसा नहीं चाहती।
उनकी एक क्लियर मांग है चाइना से कि वो अपने लास्ट वॉर के बाद जो एग्रीमेंट उन्होंने कंक्लूड किया था उस पे वो अमल करें, और ये जो नए कैंप उन्होंने अभी रिसेंटली बनाए हैं उन्हें जल्द से जल्द पैक करके वापस अपने डिसाइडेड पोस्ट पर चले जाए। इन नए कैंप्स को सेटअप जो किया है इन्हें लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे अगर आप पैक करके वापस जाना चाहे तो। इंडिया यही कह रही है कि आपको किस बात की देरी है कि आप इस नए कैंप को हटा नहीं रहे। चाइना के रीसेंट कैबिनेट मीटिंग में ये बताया गया कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर को लेकर उनके बीच में वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है। वो नहीं चाहती कि चाइना किसी कंट्री के साथ वॉर करे। अब बातें ऐसी करते हैं जहां वो वॉर नहीं चाहते, पर देखे तो उनकी आर्मी बॉर्डर पे हमारी आर्मी के साथ धक्का मुक्की कर दे तो ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल आ जाती है। पर घबराने की कोई बात नहीं है इंडिया को और इंडिया में रहने वाले सिटीजन्स, क्योंकि इंडियन आर्मी कम्प्लीटली रेडी है कोई भी सिचुएशन आ जाए वो देश को प्रोटेक्ट करने के लिए मर मिटेगी। अब बात ये आती है कि इस झगड़े में कोई तीसरी कंट्री तो इन्वॉल्व नहीं। इस डिस्प्यूटेड न्यूज के बाहर आने से एक दो दिन पहले पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाकों में एक कबूतर को स्पाई समझकर पकड़ा गया था। अब तहकीकात यह चल रही थी कि ये कबूतर इंफॉर्मेशन इंडिया से लेकर जा रहा था इस लॉकडाउन के दौरान। मैंने एक पुरानी मूवी देखी जिनमें बहुत अच्छा काम किया था लेट ऋषि कपूर जी ने। इस मूवी के एंड में एक बहुत ही अच्छा मॉरल बताया गया। इसमें कहा गया था कि गोलियां बनी क्यों है, या फिर एक इंसान शांति प्रिय रहना चाहता है तो उसे रहने क्यों नहीं दिया जाता। मैं लद्दाख में रहने वाले सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हिम्मत मत हारिए, पूरी कंट्री आपके साथ है, हर कोई मिलकर इस बार चाइना को मुंहतोड़ जवाब देगा। आई होप आपको आज के इस एपिसोड में ये समझ में आ गया होगा कि चाइना ने इंडिया के साथ पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी। अब शायद उनको अपनी इकोनॉमी में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए अगर हर इंडियन उनकी प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर दे। Xiaomi, Realme, Oppo और कितने सारे ब्रांड्स हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा चलते हैं। अगर हम सभी ने इन ब्रांड्स को यूज करना बंद कर दिया तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी चीजें हैं जो चाइना से आती हैं। अगर हम और आप चाहें तो इन सब चीजों का इम्पोर्ट हम बंद कर सकते हैं और हमें कोई पूछने को नहीं आएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। ये हमने हमारे देश के लिए कदम उठाया। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए, बायकॉट कीजिए चीजों को जो चाइना से आती है, सपोर्ट कीजिए उन चीजों को जो इंडिया में बनती है। मैं जानता हूँ बहुत यंगस्टर हैं जिनकी रोजी रोटी आजकल टिकटॉक से चलने लगी है, और यूट्यूब ही नहीं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ टिकटॉक को लेकर बहुत ही बातें और टॉपिक्स चलती हैं। टिकटॉक बनाने वाले लोगों को किस तरह बॉडी शेम किया जाता है, उनकी क्रिएटिविटी को नकारा जाता है। मैं उन सारे टिकटॉक यूजर्स से ये बात कह रहा हूँ कि टिकटॉक ही ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। आप में अगर टैलेंट है, अगर आप में क्षमता है तो आप अपनी थॉट्स क्रिएटिविटी को किसी भी प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकते हैं। खुद को लिमिटेड मत समझिए। अगर आप टिकटॉक में खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं तो आप कहीं भी खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। टिकटॉक को यूज करना बंद कीजिए, ये आपसे आपकी कंट्री को दूर कर रहा है। आप जितना टाइम टिकटॉक में अपना स्पेंड करते हैं उतने पैसे चाइना गवर्नमेंट कमा रही है। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया को मारने वाली गोली पर आपका नाम हो? क्या आप चाहते हैं कि एक इंडियन सोल्जर जो कहीं आपकी प्रोटेक्शन के लिए बॉर्डर पे खड़ा है उसे लगने वाली चाइनीज गोली पे आपका टिकटॉक का वीडियो हो? मैं नहीं चाहता, और मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म में क्योंकि मुझे ये बात समझ में आती है कि ज़रूरत में ही इन्वेंशन होता है। अगर आप टिकटॉक कर सकते हैं तो आप यूट्यूब भी कर सकते हैं। आप अपने लिए खुद को एक ब्रांड भी बना सकते हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारे स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। आप अपने देश के स्कीम्स के फायदे उठाइए, ना कि किसी और कंट्री के बनाए हुए एप्लीकेशंस को यूज करके उस कंट्री को फायदा पहुंचाएं।
मैंने बहुत बार सोचा कि मैं टिकटॉक और यूट्यूब के कंपैरिजन का एक टॉपिक आपके साथ शेयर करूं। इस बात पर बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया तो इस पे मेरा इनपुट कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं चाहता था कि मैं अपनी तरफ से ये मैसेज आप तक पहुँचाऊँ। आप खुद को लिमिटेड मत समझिए। आप हर एक टीनेजर जो कि टिकटॉक यूज करता है, हर एक आम आदमी जो कि टिकटॉक में अपना अकाउंट बनाकर रखा हुआ है, आप अपने तरफ से कंट्री के लिए एक कदम उठाइए, अपने अकाउंट को डिलीट कीजिए। ऐसे किसी प्लेटफॉर्म में आप खुद को प्रेजेंट कीजिए जहां पर आपकी प्रशंसा हो, आप में टैलेंट है, ये आपको पता है। ये हम सब जानते हैं कि एक वीडियो बनाने में कैसी फीलिंग होती है, किस फीलिंग से आपको गुजरना होता है। खुद की एक कम्युनिटी बनाइए जहां आप अपने थॉट्स लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ शेयर कर सकें। बस आपसे इतना ही कहना था। एक दूसरे के लिए हेट मत फैलाइए। आखिर में तो आप सब इसी देश में रहने वाले लोग हैं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि देश के लिए ये कदम आप उठाइए। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर इस एपिसोड में आपको कोई ऐसी बात लगी जो आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ, और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हुए नए एपिसोड्स लेकर आपके सामने शामिल होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।